प्रेरक के चीतोस, आज है भाई बीज और आप जब ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन आई डोंट नो चौथ हुई होगी। तो विधान आज एक्चुअली में आने वाला था लेकिन उसकी उसको ट्रेन में नहीं आना था उसको और मम्मी को, तो उसकी बस की टिकट हम लोगों ने करवाई, तो वो अभी कल रात को बैठेंगे मतलब परसों आएंगे इधर। तो अभी मैं और प्रेरक, और आज आप सोच रहे होंगे कि आज रुचा दीदी ने व्लॉग चालू क्यों किया है, तो क्योंकि प्रेरक सर की तबीयत थोड़ी नरम गरम है। हमने इतने सारे पटाखे फोड़े थे ना, तो सारा धुआं धुआं उनके नाक में चला गया था, तो उनको सर्दी खांसी जुकाम बहुत कुछ हो गया है। वो रेस्ट कर रहे हैं, अभी हम लोग हॉस्पिटल जाके उनके लिए दवाई लेके आए। और मैं ये चश्मे वश्मे लेके इसीलिए हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं सिटी में। सिटी में क्यों जा रहा है, क्योंकि हमको चाहिए ऐसी वाली एक ट्रॉली बैग, और एक चाहिए क्योंकि एक ही अवेलेबल और दूसरी है वो टूट गई है, तो हमको एक और एक चाहिए। तो सिटी में अभी चालू है सारी दुकान, प्रेरक ने फोन करके पूछ लिया। बाकी प्रेरक से आपको मैं मिलवाती हूँ। गुड मॉर्निंग प्रेरक, ये गॉगल्स पहन के अभी से बैठ गया है तू। ये तूने सब पर्दे खोल दिए, मेरे को सर दर्द हो रहा है। तो अभी चल जाना नहीं है? हाँ चल जाता। तो तू सो क्यों रहा है? लेकिन मैं कहाँ सो रहा हूँ, चल ना बिट्टू जागा हुआ हूँ ये देख। ओह माय गॉड, नाक मारे निकली जाएगा। बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा आपका प्रेरक भाई चीतोस, ये बूढ़ा चीता हो गया है। जा ही रहे थे लेकिन मुझे ये दिख गया कि मम्मी ने ये जो ब्लैक वाली लाइन है उसमें थोड़े थोड़े डॉट डॉट कर दिए, और यहाँ पे साल मुबारक मिटा के भाई दूज लिख दिया। देख रहे हो प्रेरक मम्मी का स्कैम। सिटी में जब भी आता है ना तो ये वॉच वॉच सब लेके आता है। एक वॉच रुचा की ये वाली जो थी वो थोड़ी फिटिंग करवानी थी, वो भी करवा दी। ये मेरी वाली, ये वाली मैरिज वाली वॉच में सेल चेंज करवाना था। ये जो गिफ्ट में आई हुई थी उसमें भी सेल चेंज करवाना था। और ये देखो, ये अभी अंकल कर रहे हैं रुचा की जो कपल वॉच थी मेरी और रुचा की, तो इसकी क्या बोलूँ अभी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विधान ने तोड़ दी थी। मेरा पर्स थे ऊपर बैठा था, तो उसने पर्स फेंक दिया यही, और इसकी जिप खुली थी, तो सारा सामान मेरा ये। उसके चक्कर में इसका ये जो कांच आता है वो कांच टूट गया था, तो अभी वो भी हाथों हाथ चेंज करवा रहे हैं। देखा भाई, सिटी में आता है ना तो ये सब छोटे छोटे काम एक साथ लेके आते हैं, तो एक ही चक्कर में सब काम कंप्लीट हो जाते हैं। सही करवाने के बाद यहाँ पे नीचे इन लोगों का पूरा ये बाजार लगता है, जिसको चौटा बाजार बोलते हैं। जो लोग सूरत से होंगे उन लोगों को पता होगा, लेडीजों का पूरा बाजार लगता है। तो अभी ये बोले यहाँ तक आए प्रेरक, तो बोले एक चक्कर मार लेते, बोले कुछ पसंद आया तो बोले ले लूंगी। मैं बोला ठीक है भाई, चलो देख लो, ये भी देख लो। टाइम चेक कर लो भाई, 3:05 बाकी है, और ये वाली बैग फाइनल करके ले लिए हमने। रुचा दिखाओ, थोड़ा अनबॉक्सिंग करो बैग का, और कवर के साथ ही ले लिए तो क्या दिक्कत ना हो। और ये वाला बैग से बैग के दाम में तो कवर पड़ा हमको। और ये वाला जो बॉक्स है ना, वो बॉक्स भी ले लिया कि एक बार यूज हो जाए तो उसके बाद रखने के लिए भी। हाँ लो भाई, ये हमारी नई नई ट्रॉली बैग भी आ गई, और एक्स्ट्रा कवर भी लेके आए। हाँ, और जो वो पुरानी वाली ट्रॉली बैग थी उसके लिए, कौन सी वाली, ये वाली, ये जो पड़ी थी ना इसके लिए। और जानबूझ के इसका भी थोड़ा नेवी ब्लू सा कलर है, इसका भी थोड़ा नेवी ब्लू सा कलर है, बट सिर्फ फर्क क्या है कि ये थोड़ी नई दिख रही है और ये छोटी दिख रही है। छोटी नहीं दिख रही है, वो थोड़ी डार्क पुरानी हो गई है, इसके लिए उसका कलर ऐसा हो गया और ये ऐसा हो गया, और वो थोड़ी छोटी भी दिख रही है। बात तो सही है रुचा तेरी, चलो कोई नहीं, पर अभी ये दो चीज़ें हो गई तो अभी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, इसके साथ साथ हम क्या लेके आए, एक तो देखो ये मोती वाला परफ्यूम का देख के आपको पता चल ही गया होगा, दो फ्रेग्रेंस ले ली, अत्तर ले लिए, ये मेरा जो कॉम मैं ड्रायर के साथ सेट करता हूँ हेयर, तो एक ये ले लिया, और ये एक रुचा के लिए बेल्ट लेना था तो वो बेल्ट ले लिया। ये वाली टी शर्ट तो आप लोगों ने देखी ही थी कहाँ से ली, तो अभी कोई नहीं, थोड़ा कवर कहाँ गया, थोड़ा बहुत फ्रेश होता है एंड देन फिर चाय वाय पीते हैं, और फिर मेरे को दवाई भी लेनी है, डॉक्टर ने दवाई दे दी है भाई,
तीन दिन की रुचा दवाई दी कि चार दिन की दवाई दी? दो दिन की, दो दिन परसों बुलाया मिलने के, दो दिन की दवाई दी। डॉक्टर को प्रेरणा कितना पसंद आ गया, डॉक्टर ने बोला तुम मेरे को परसों आके मिल। बोले दो दिन बाद फिर से बोले आके मिल जाना। मैंने बोला थोड़ी ज्यादा दवाई दे दो, बोले नहीं दो दिन बाद फिर से बोले चेकअप करके करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला गले का जो पूरा भाग है ना वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन हो गया। अभी तो नहाने जा। और हाँ भाई आज मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि भाई इतने दिनों से वैकेशन हुआ है, सब रोज नहा ऐसा बोलते थे आज त्योहार है आज तो नहा ले, आज त्योहार है आज तो नहा ले, लेकिन फिर आज तो मेरे लिए कोई त्योहार नहीं क्योंकि मेरी बहन की शादी अभी तक हुई नहीं है तो मैं उसके घर पे खाना खाने जाऊंगा नहीं भाई दूज का। तो मेरी बहन को खाना भी नहीं बराबर, मैंने खाया ही नहीं है ना आज तो। अच्छा रुचा को अभी घर में एस्केलेटर भी चाहिए। मेरे को ये बता इधर क्यों लाई है मेरे को, क्या ब्रश लेने के लिए? हाँ मेकअप लेने के लिए इधर आया है। तो भाई जूडियो लाई है मेकअप लेने के लिए, लेकिन मेरे को डाउट हो रहा है कि जूडियो में मेकअप मिलता है क्या, कि फिर से कपड़े लेगी और मेकअप के साथ साथ कपड़े भी। चलो देखते हैं क्या क्या लेते हैं यहाँ पे। आप लोगों ने आगे छोटी छोटी सी क्लिप देखी, हम लोग एक्चुअली में जो हमारी ट्रॉली का कवर लेके आए थे वो एक अंदाज से लेके आए कि ये तो हो ही जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो नहीं हुआ था तो वो हम लोग चेंज करवाने गए थे। तो उसके प्रेरणा के थोड़े बहुत शॉट्स लिए हैं और अभी मैं थोड़ी सी काली दिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है नहीं अच्छी तरीके से। तो वहाँ पे स्टूडियो में भी तो जाके आए, फिर स्टूडियो में गए, स्टूडियो में से मेरे को मेकअप लेना था लेकिन स्टूडियो में ब्लशर मिलना बंद हो गया है। वो भैया को मैंने पूछा कि कब आएंगे तो वो बोल रहे हैं अभी स्टूडियो में नहीं आ रहे हैं, तो अभी शायद से डीमार्ट जा रहे हैं। डीमार्ट मतलब डीमार्ट जाके हमको स्पेशल डीमार्ट इसीलिए जा रहा है क्योंकि हमको ब्रश की कैप लेनी है, ताकि स्टूडियो से भी लिया, स्टार बाजार से भी लिया, मॉइस्चराइजर ले लिया, वाइप्स ले लिए, क्या लिया दूसरा प्रेरक, हाँ मेकअप रिमूवर वाइप भी लिया और सिंपल वाइप और फेस मास्क और वो सब ले लिया। अभी देखते हैं डीमार्ट जाता है नहीं जाता, या फिर कोई भी प्रोडक्ट मेडिकल में भी मिल जाएगी ना ब्रश की, तो बस उधर से ही ले लेते हैं। हम का डीमार्ट जाना नहीं, फिर खर्चा बढ़ जाता है, डीमार्ट जाते हैं ना वैसे ही। ओके अपनी बैग रेडी हो गई है, ये वाली बैग की है ना हम जो कवर है ना वो इसकी साइज की लाए थे, इसलिए बाकी इसमें तो कपड़े फिट पूरे आ गए। अभी मेरे और प्रेरक के बीच में बैठ लगी है कि ये बैग का वजन मैं बोल रही हूँ 15 किलो से ज्यादा है और वो बोल रहा है 15 किलो से कम है, से कम है। और मेरी ताकत, और मेरी ताकत का नमूना देखोगे क्या है? 0.5 में कर। मेरी ताकत का नमूना देखोगे? 3, 2, 1 वो खाली है। चल इसको कर, इसको कर ऐसे, इसको कर ऐसे, इसको कर, चल कर करना। ये तो मेरी प्यारी बैग है, इसको तो मैं तो वो क्या खराब है साले, नई लाया है अभी, ये तो तेरी है, हुई हुई तेरे एक भी कपड़े नहीं रखूंगी अंदर। बे इसमें अगर तेरे कपड़े निकालने गए ना तो मेरे सिर्फ 4 टी-शर्ट और 3 जीन्स बचेंगे। तो एक काम करना वो एक्स्ट्रा लगेज में रख देना तेरे टी-शर्ट और जीन्स। हाँ तो मैं तो वैसे को मेरा बैग खाली रखूंगा क्योंकि फिर वहां से शॉपिंग करेंगे ना हम। मैं मार्केट नहीं जाने वाली। अरे मार्केट जाना पड़ेगा पगली, कितने कितने ऑर्डर आ गए अपने पास, 2 पापा के 2 जैकेट, 2 मम्मियों की 2 जैकेट, एक्स्ट्रा में एक एक शॉल लानी है वहां से। अरे बाप रे टू मच शॉपिंग। तो एक बैग तो मेरे को लगता है उसी के लिए मेरे को खाली रखना पड़ेगा कि शॉपिंग वहां से करनी है।